हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ मैं आलू टिक्का बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो दिखने और खाने में बहुत ही डिलीशियस है और इसे घर पर आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिक्का मसाला रेडी करेंगे। तो 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च मैंने लिया है। हल्का सी इसे हम गर्म करेंगे, तो बस ज़्यादा नहीं भूनना है इसे हमें। बस हल्का कलर चेंज हो जाए तो बस इसे ग्राइंड कर लेंगे। साथ में 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ नमक, 1/2 चम्मच धनिया और 1/4 TSP ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, और इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। और अब सैलेड रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, थोड़े से पत्ते गोभी कटे हुए, और हमने जो टिक्का मसाला रेडी किया था ना, वो 1 चम्मच इसमें हम भर कर लेंगे। और बस 1 इंच के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टिक्का मसाले में हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करना है हमको। मिक्स कर देंगे, बस हमारा चाट रेडी, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब बारी है आलू टिक्के की। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं बॉयल, उसे मैंने मैश कर लिया है। 1 कटोरी हरा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, और साथ ही ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं अदरक ले रही हूँ, ये घिस कर लिया मैंने, इसे आप बारीक भी कट करके ले सकते हैं। और जो हमने टिक्का मसाला रेडी किया था ना, वो 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। और बस कुछ नहीं करना, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे ना, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन टिक्के मसाले में हमने नमक डाला है और यहाँ पे मैंने 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पे टिक्का मसाला यूज़ किया है, तो नमक ऐड करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। आपको अगर लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह से इसकी टिक्की बना लेंगे हम। आप देख सकते हैं साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, बस थोड़ी मोटी टिक्की बनाए आप। और इसे मैं राइस फ्लोर में ऐड कर रही हूँ, इसकी जगह आप कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। इससे क्या होगी ना, आपकी जो टिक्की है ना, वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो इसी तरह से आप सारे टिक्की रेडी कर लें। और यहाँ पे अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ और सारे टिक्की धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दूँगी, और दोनों साइड से अच्छे से इसे मैं फ्राई कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करें फ्रेंड, ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए और जले भी ना। और इसे डीप फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपको डीप फ्राई करना है ना, तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स आप ऐड कर लें, ताकि इसे अच्छे से बाइंडिंग हो जाए इसकी, तब आप डीप फ्राई करें। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं तो डीप फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। आप इसी तरीके से सेलो फ्राई करें तो बहुत अच्छे से ये रेडी हो जाता है। फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें फ्रेंड्स। तो ये रेडी हो गया, इसे मैं साइड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 बर्गर लिया, इसे बीच से मैं कट कर ले रही हूँ, और ये स्वीट बर्गर है, आप नॉर्मल भी ले सकते हो। अब एक पैन ले रही हूँ मैं, उसमें ऑयल डाल रही हूँ, तो दोनों साइड से इसे अच्छे तरीके से क्रिस्पी कर लेंगे हम। मीडियम टू लो फ्लेम ही रखें, और हल्का हल्का ऑयल या बटर लगा के आप इसे सेक लें। जब तक बर्न आपका अच्छे से क्रिस्पी नहीं होगा ना, तो बर्गर का टेस्ट आपको अच्छा नहीं आएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, अच्छे से आप इसे सेक लें। और हमने जो चाट बना के रखा था ना, उसमें मैं 1 कटोरी के करीब पनीर ऐड कर रही हूँ क्रश करके। और अब हम बर्गर अपना लेंगे बन, उसमें लगा रही हूँ मैं मेयोनीज, और साथ ही इमली चटनी लगा रही हूँ। तो इसके बिना भी बना सकते हैं आप, तो इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इमली चटनी पॉसिबल हो तो आप ज़रूर ऐड करें। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो चाट हमने रेडी करके रखा था। अब आलू का रखेंगे टिक्की हम यहाँ पे, और इसमें मैं लगा रही हूँ टमाटो केचप, और जो टिक्का मसाला मैंने रेडी करके रखा था वो हल्का सा मैं डाल रही हूँ इसमें। इसमें आप पत्ता गोभी का पत्ता भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, ये ऑप्शनल है। तो बस डिलीशियस सा दिखने वाला और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा टिक्का बर्गर रेडी है। तो यहाँ मैं ग्रीन पत्ता गोभी के साथ में भी इसे बना रही हूँ, तो अपने हिसाब से भी कुछ ऐड कर सकते हैं आप। तो और इसे सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, डिलीशियस बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।